हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस. आई एम सोनम श्रीवास्तव एंड इन दिस क्लास टुडे आई विल टीच यू द क्वेश्चन नंबर 9 to 12 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 एंड आई हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन 1 to 8 इन माय प्रीवियस वीडियो. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. तो इसमें हमें क्या हमसे क्या पूछा गया है कि इसमें जो भी हमें एक्सप्रेशन नीचे एक्सप्रेशंस कुछ गिवन है जैसे पार्ट ए बी सी एंड डी एंड उसके हमें जो ये कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हैज बीन डन. देन हम फर्स्ट में देखेंगे 24. देन यहाँ पे 2, 3 ये दोनों क्या है प्राइम नंबर्स बट 4 क्या है 4 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज 4 के अभी फैक्टर हो सकते हैं जैसे 2 into 2. तो जब हम 4 का फैक्टर 2 into 2 में करेंगे देन हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिलेगा. इट्स मीन यहाँ पे 4 क्या है 4 एक कंपोजिट नंबर है. इट्स मीन इसका फैक्टराइजेशन ये भी इसका फैक्टर जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं है. इट्स मीन ये क्या है रॉन्ग. एंड 70 में देखेंगे यहाँ 2, 5, 7 ये दो ये तीनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं. इट्स मीन दिस फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. एंड नेक्स्ट है बी पार्ट 56 यहाँ पे क्या है 7, 2, 2, 2 ऑल द नंबर्स आर प्राइम. इट्स मीन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. इट्स मीन इट इज राइट. एंड ऑप्शन डी है 54 यहाँ पे कौन कौन से नंबर गिवन है 2, 3 and 9 बट 9 क्या है 9 इज अ कंपोजिट नंबर. ये क्या है ये एक प्राइम नंबर नहीं है. इट्स मीन द प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन नॉट डन. देन यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉन्ग. एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45. अब हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि ये नंबर जो है 45 का डिविजिबल है. तो जब भी 40 एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हिंट दी गिवन है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स. तो हम इसके पहले नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या रीड किया था कि इफ 2 को प्राइम नंबर किस यदि कोई 2 को प्राइम नंबर होते हैं जैसे 5 and 9 ये दोनों क्या है ये को प्राइम नंबर हैं. और जब ये नंबर किसी भी नंबर्स जैसे यहाँ पे एक x है इस नंबर के डिविजिबल होंगे. जब दो नंबर इन किसी एक नंबर के डिविजिबल होंगे बट यहाँ पे क्या बट दोनों नंबर क्या होने चाहिए दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए. ये 2 को प्राइम नंबर किसी एक नंबर का डिविजिबल है तो इनके मल्टीपल जो भी होंगे या इट्स मीन 5 into 9 तो 5 into 9 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 9 तो इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी इस नंबर का डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे हमें हिंट जो है हिंट एक गिवेन है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर. टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाई 5 and 9. हम यहाँ पे अगर ये 5 and 9 एक को प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पे 5 and 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि अगर ये नंबर 5 and 9 का डिविजिबल है इट्स मीन वो 40 ये नंबर 45 का भी डिविजिबल होगा. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे डिविजिबिलिटी. हम यहाँ पे सबसे पहले 5 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय. डिविजिबिलिटी बाई 5 देन इस नंबर हमें क्या गिवन है 110 25. देन 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं लास्ट डिजिट इज 0.
लास्ट डिजिट है 0। इट्स मीन ये जो नंबर है 25,110 इज डिविजिबल बाय फाइव। इट्स मीन ये नंबर क्या है, फाइव का डिविजिबल है। अब हम क्या चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ नाइन, नाइन की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी तो नाइन की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सम सम ऑल द डिजिट ऑफ गिवन नंबर। तो हमें क्या गिवन है, 25,110। अब जितनी भी डिजिट है इनका सम हम फाइंड करेंगे, 2 + 5 + 1 + 1 + 0 2 5 7 7 + 1 is 8 8 + 1 9 9 + 0 is 9 देन 9 इज द डिविज। अब ये क्या है, 9 का मल्टीपल है। इट्स मीन ये नंबर क्या है, 9 का भी डिविजिबल है। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस 25110 इज डिविजिबल बाय 5 and 9, hence it is also divisible by 45 because 5 and 9 आर को प्राइम। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अब हमें कहा है 18 जो है 2 and 3 दोनों का डिविजिबल है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3 इक्वल टू 6। तो वो 6 का भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। एंड इसी तरह इसमें बोला सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। एक नंबर है जो, एक नंबर अगर हमें यहाँ पे गिवन है जो 4 का भी डिविजिबल है एंड 6 का भी डिविजिबल है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो नंबर होगा वो 4 into 6 इट्स मीन 24 का भी डिविजिबल होगा। इफ नॉट, अगर नहीं होगा, गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर नहीं होगा तो हमें इसमें इस जस्टिफाई करना है कि ये क्यों नहीं होगा। तो ये इसलिए नहीं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज 4 and 6 आर नॉट अ को प्राइम नंबर। ये तभी वैलिड होता है, तभी जो ये तभी पॉसिबल है जब 4 and 6 आर को प्राइम नंबर। जब हमें कोई 2 को प्राइम नंबर गिवन होंगे और वो 2 को प्राइम नंबर क्या हो, किसी नंबर्स का डिविजिबल हो, तब उसका मल्टीपल या प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा, उस नंबर का डिविजिबल होगा, जैसे जब ये दोनों नंबर को प्राइम हो। तो हमें जस्टिफाई करना है, तो हम चलिए जस्टिफाई कर, कुछ एग्जांपल से हम इसको जस्टिफाई करेंगे। जैसे 4 के टेबल में 12 आता है एंड 6 के टेबल में भी, यहाँ पे 4 के टेबल में 12 आता है एंड 6 के टेबल में भी 12 आता है। इट्स मीन 12 इज डिविजिबल बोथ 4 and 6, but 12 is not divisible
बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, बट लेकिन जो है 12 जो है 24 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए वो 24 का डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 4 and 6 are not co prime factor. तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि because 4 and 6 are not co prime factor. जब ये co prime factor होते हैं तभी उनका product जो भी होगा वो फर्स्ट वाले नंबर का डिविजिबल होता है. देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो मैं सबसे छोटा प्राइम स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर लेने हैं हमें. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, देन 3, देन 5, देन 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7. तो हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, अब हमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स लेने हैं. स्मॉलेस्ट नंबर है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे. तो 2, देन 3, देन 5, देन 7. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एंड 37 जा 210. देन दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, एंड वी विल कवर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.